नमस्कार। इस समय इंडिया पावर न्यूज पर आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज के 66वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर गुरु पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आजमगढ़ जोन के जोनल इंचार्ज श्री रामजीत राम भारती महाराज जी के नेतृत्व में हजारों संतों ने जिला चिकित्सालय सदर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी संतों को अपने तरफ से प्रदूषण बचने के लिए मास्क देकर शुभकामनाएं दी। शुभारंभ आजमगढ़ जोन के जोनल इंचार्ज श्री रामजीत राम भारती महाराज जी एवं आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा निरंकारी भवन के प्रांगण में पौधारोपण कर शुभारंभ किया गया। संचालन कृष्णा जी ने किया। स्टेज की अध्यक्षता श्री धन्नी राम जी महाराज प्रभारी उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग के कर कमलों द्वारा हुआ। व्यवस्थापक निरंकारी मिशन के संयोजक श्री राजेंद्र प्रसाद महाराज जी द्वारा लंगर की उत्तम व्यवस्था की गई थी, जिसमें हजारों भक्तों ने लंगर प्रसादी ग्रहण किया। आजमगढ़ जोन के जोनल इंचार्ज श्री रामजीत राम भारती महाराज जी ने कहा कि गंदगी अंदर हो चाहे बाहर, दोनों हानिकारक है। सभी संतों की सेवा में सेवा दल लगे रहे। महात्मा वीरेंद्र यादव, राजेश, संतोष सिंह, राजदेव, रामदरस, ज्वाला प्रसाद, सूबेदार अनिल यादव, सुरेश, राजेंद्र प्रसाद, पवन कुमार, बहादुर, बिमला, अभिषेक, आशापाल आदि संतों एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट। सफाई अभियान हो रहा किस तहत से हो रहा? ये संत निरंकारी मिशन तत्वाधान में ये सफाई सामाजिक कार्यों के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत इनका मुख्य भवन है हरबंसपुर में, वहाँ जिलाधिकारी महोदय ने 8:30 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। उसके पश्चात उसी कड़ी में मंडलीय जिला चिकित्सालय में सफाई अभियान की शुरुआत आप लोगों के द्वारा की जा रही है। संत निरंकारी मिशन इस तरह के सामाजिक कार्यों में शुरू से ही लगा हुआ है। इन लोगों के द्वारा वर्ष में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है, सफाई किया जाता है, अन्य कार्यों में भी इनके मिशन के द्वारा बराबर सहयोग दिया जाता है। इस सराहनीय कार्य के लिए आप अपने माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके माध्यम से जिसे इस समय प्रधानमंत्री जी का भी यही है कि स्वच्छता मिशन, मुख्यमंत्री जी का भी यही है कि स्वच्छता, हम अपने घर के घर में सफाई रखें, हम आसपास की सफाई रखें, इससे बीमारियां भी कम होंगी, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो भी कम होंगी, जो दवाओं पर खर्च हम करते हैं उसमें भी बचेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, इसका मूल उद्देश्य है। फरवरी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से एक बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु पूजा दिवस के रूप में ये स्वच्छता अभियान हमारे सारे भारतवर्ष में सारे सरकारी अस्पतालों में सतगुरु की कृपा से निरंकारी मिशन के हजारों हजारों सेवा दल के भाई बहन मिलजुल करके, संगत के महात्मा मिलजुल करके इस अभियान में पूरा पूरा तन मन धन से योगदान दे रहे हैं और विश्व बंधुत्व का जो एक टारगेट है उसको संसार में मानव को स्वच्छ बना रहे हैं। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमेशा समझाया करते थे, प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो दोनों तरफ से हानिकारक होता है। बाहर का प्रदूषण तो हम किसी न किसी रूप में साफ कर लेते हैं, लेकिन जो आज इंसानियत गिरी जा रही है इसके प्रति जो इंसान के अंदर वैरिता राग देश नफरत घृणा बढ़ रही है उसको स्वच्छ बनाने के लिए मन को साफ सुथरा रखना जरूरी है। और ये तभी संभव होगा जब हम सद्गुरु की शरण में आके एक परम पिता परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं और सद्गुरु के बताए आशय के मुताबिक सत्संग सेवा सिमरन के साथ जुड़ जाते हैं, तभी ये कार्य हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे।
और मन वचन कर्म से समाज का जो है कल्याण करना है और अपने समय को मूल्यवान समझना है। समय बहुत कीमती होता है, फिर ये दोबारा वापस आता नहीं, इसलिए समय की प्रेजेंटेशन सदगुरु सिखा रहे हैं और मिलजुल करके हम सभी सदगुरु के आदेशों को पालन करते हुए, सदगुरु का शुक्रिया अदा करते हुए, सदगुरु का धन्यवाद करते हुए अपने कर्मों में जुट जाएं, सफाई अभियान में तन मन धन से पूरा योगदान दे पाएं। प्यार से जिम्मेदार सेवा दल के नौजवान भाई बहनों, हमारे संचालक साहब, शिक्षक साहब, दास तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है कि आप यहाँ पे आके हमें कृतार्थ किए और ऐसी ऊर्जा भरे कि इसको अगर हम जीवन में फॉलो करेंगे, अपनाएंगे तो बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, हम भी खुश होंगे, दूसरे को भी ये खुशी देनी कि जो है सतगुरु ने जो हमें मैसेज दिया है कि हमने अपने आचार विचार व्यवहार द्वारा मिशन के संदेश को प्रकट करना है। और ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो गुरु पूजा दिवस के रूप में हम सभी निरंकारी मिशन के जो ये कार्यक्रम को कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के रूप में, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार ये पूरे विश्व के अंदर सभी सरकारी अस्पतालों की सफाई का अभियान चल रहा है। तो जैसे आप सबको आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल का चयन हुआ है तो आप सभी अब सीधा वहाँ पे पहुँच करके और अपने कार्यक्रम में सभी भाग लेंगे और बड़े ही तन्मयता लगन के साथ वहाँ पे ये सफाई अभियान करके और जल्दी से जल्दी फिर यहाँ 12:30 से 3 बजे तक का सत्संग है, उसमें भी आप सब ने भाग लेना है। और सतगुरु ने जैसे हमारे प्रबंधकों को सेवाएं बख्शी है, आपके नाश्ते का भी वहाँ इंतज़ाम है, यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम है, बहुत सारा जो है आप सभी ने मिलजुल करके ये कार्य जो सुचारू रूप दे रहे हैं। उदास फिर एक बार सतगुरु माता जी का जो है शुक्राना अदा करता है कि आपने दया किया, हम सबके जीवन में ये ऐसी दृष्टि दिया कि हम सभी सामाजिक कार्यों में भी योगदान देने की आप ताकत बख्शते रहना, यही अरदास यही कामना है। एक बार तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यार से बोलिए।